हेलो एवरीवन, हम मैथ्स स्टार्ट करेंगे और मैथ्स में हम पहला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है जो कि है मैट्रिक्स। काफ़ी इजी चैप्टर है मैट्रिक्स, साथ में इसके डिटरमिनेंट्स पढ़ते हैं। हम दो चैप्टर्स एक साथ पढ़ते हैं, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये तीनों मिला के आपके एलजेब्रा कहलाती है और ये एलजेब्रा आपका 10 मार्क्स का है आउट ऑफ 80। तो मैट्रिक्स क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले। मैट्रिक्स एक्चुअली में बहुत ही अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मतलब ये एक अरेंजमेंट है। अगर मैं बात करूं व्हाट इज़ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है कुछ नंबर्स का। अगर मैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखूँ तो इट इज अरेंजमेंट, इट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स आ जाते हैं और फंक्शंस, कुछ फंक्शंस भी आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एरे। एक एरे बनती है यहाँ पे। ठीक है, एरे यहाँ पे जो कंप्यूटर्स जिन्होंने C++ पढ़ी है उनको थोड़ा सा नॉलेज भी होगा, बट आपको इतना उसमें डीप में नहीं जाना है। एरे जो होती है एक तरीके से, आप जब क्यू में एक क्यू बनाते हो जैसे क्यू में आप लाइंस के अंदर जब जाते हो उसको हम क्यू बोलते हैं। तो जो आप क्यू बनाते हो उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, तो इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एरे। ठीक है, कैसे, मतलब कैसे आप अरेंज कर रहे हो नंबर्स को। मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो एक सेट बनाया मैंने, कि क्योंकि एक अरेंजमेंट है नंबर्स का, एक ग्रुप बनाया मैंने जिसमें मैंने बोला कि एक पर्सन है ए और उसके पास 5 पेन और 3 चॉकलेट्स हैं। तो ये ए जो बंदा है, ये इस बंदे का नाम कुछ रख लेते हैं अमन, मान लो अमन एक बंदा है, इसके पास 5 पेन और 3 चॉकलेट्स हैं। तो इसके ये जो चॉकलेट्स का जब मैं अरेंजमेंट लिखता हूँ, ये जो इस चीज़ का अरेंजमेंट लिखता हूँ, मान लो एक सेट बनाया मैंने, इस सेट को जनरली हम इस एक डब्बे के अंदर डालते हैं, ये डब्बे को हम ऐसे शो करते हैं। तो ये डब्बा बनाया मैंने और इस सेट का नाम मैंने ए रखा। ठीक है, और इसमें 2 नंबर डाल दिए मैंने, 2 और 3 ऐसे डाल दिए। ये जो है इसको, जो हमारे पास ये जो 2 नंबर आ रहे हैं इसको हम बोलते हैं, ये जो दोनों नंबर किसमें आ रहे हैं, एक रो के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे कितनी रो है, एक सिंगल रो है, यहाँ पे एक सिंगल रो है। और ये दो, एक अगर मैं ऐसे देखूँ, अगर मैंने हॉरिजॉन्टली देखा तो एक ही लाइन आ रही है, इसको हम रो बोलते हैं। अगर मैं वर्टिकली देखूँ तो यहाँ पे मेरे को 2 लाइंस दिख रही है वर्टिकली, एक ये और एक ये, इनको हम दो कॉलम्स बोलेंगे। तो ये 2 कॉलम है, ये कॉलम 1, ठीक है, और एक कॉलम यहाँ पे कॉलम 2। तो 2 कॉलम और 2 रो, एक सिंगल रो में यहाँ पे आपने इस डेटा को रखा, अरेंज किया। तो ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए। व्हाट इज ए, यहाँ पे इस मैट्रिक्स को कुछ नाम भी देंगे, मैंने ए नाम दे दिया। ए इस मैट्रिक्स का नाम है जिसमें क्या है, ये 2 एलिमेंट्स है। ये जो आपने जो ग्रुप बनाया इसमें जो नंबर्स आप लिखते हो, या तो नंबर्स लिखते हो या फंक्शन लिखते हो। ठीक है, फंक्शन मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स और इस टाइप की भी चीज़ें आप लिख सकते हो, या टी स्क्वायर या कुछ भी। तो अगर आप यहाँ पे ये चीज़ें लिखते हो तो या तो वो ऐसे अरेंज करेंगे, उसमें रोज़ आएंगी, कुछ कॉलम्स आएंगी, जैसे इसमें 2 कॉलम्स हैं और 1 रो है, इसका कुछ नाम होगा ए। इस ए, इसी को बोलेंगे मैट्रिक्स, इस अरेंजमेंट को बोलेंगे मैट्रिक्स, और हर मैट्रिक्स को कुछ नाम देंगे, जैसे यहाँ पे नाम दिया ए। ठीक है, और इसको एक तरीके से लिखेंगे, ए एक मैट्रिक्स है जिसके कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो जो एलिमेंट्स का नाम होता है जनरली ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे ये वाला एलिमेंट, ये एक एलिमेंट कौन से रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो भी फर्स्ट है और कॉलम भी फर्स्ट है। तो इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, जैसे मैंने मैट्रिक्स का नाम दिया वैसे एलिमेंट का भी नाम होगा। इस एलिमेंट का नाम क्या होगा, A11। इस एलिमेंट का नाम क्या है, A11। जैसे ये वाला एलिमेंट, ये कौन से रो में आ रहा है,
फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, तो इसका नाम कुछ नाम देंगे, तो इसका नाम दे दिया मैंने A12। जो मैं पहले लिख रहा हूँ वो है रो का नाम, और जो मैं बाद में लिख रहा हूँ वो है कॉलम का नाम। तो ये 1 1 लिखने का मतलब क्या है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, और ये फर्स्ट रो और सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है A12। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए एक और मैट्रिक्स बना दी मैंने, ठीक है, एक मैट्रिक्स बनाई मैंने बी, ये बी एक मैट्रिक्स बनाई और मैंने उसको ऐसा बना दिया 2 1 3 4 2 6, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स में, 6 एलिमेंट्स हैं, तो इनका कुछ नाम दूंगा मैं। ये बी नाम की एक मैट्रिक्स है जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं। कैसा है वो, जैसे ये कोई क्वेश्चन था उसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक टेबल बनाई थी, ऐसे कुछ क्वेश्चन होगा जिसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक टेबल बना ली, ये एक मैट्रिक्स जिसको हमने बोल दिया, एक अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है, जिसमें मेरे पास दिख रही है कितनी रोज़ हैं। ये पहली रो हो गई पूरी की पूरी, ये वाले तो रो तो एक हो गई और एक ये दूसरी रो हो गई रो टू, दो तो आपके पास रो हैं, और कॉलम कितना है, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3, 3 कॉलम है आपके पास और 2 रोज हैं। ये वाला एलिमेंट जो है, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आता है, तो इसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप, तो कुछ एक स्मॉल अल्फ़ाबेट से आपने डिनोट किया, आप ए बी कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि मैट्रिक्स का नाम बी है तो मैंने इसका नाम भी बी से डिनोट कर दिया, या आपकी मर्जी है। बट नीचे जो आप लिखोगे वो अकॉर्डिंग टू रोज एंड कॉलम के अकॉर्डिंग नाम लिखोगे, तो ये क्या है, B11, क्यों, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये, B12 क्यों, फर्स्ट रो का और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, इसका नाम क्या होगा, B13, इसका नाम क्या होगा, B21, देखो ये सेकेंड रो में आ रहा है और कॉलम फर्स्ट है, इसका नाम क्या होगा, B22, और इसका नाम क्या होगा, B23, ठीक है। तो आप नाम नेमिंग जरूर देंगे अब, ठीक है, तो जब भी कोई मैट्रिक्स दिखते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे AIJ, मैंने लिख दिया, आई किसका नाम होता है, रो का नाम, और जे क्या होता है, कॉलम का नाम। तो मैंने लिखा ए एक मैट्रिक्स है AIJ, और यहाँ पे इसमें इसके आगे लिखते हैं हम ये कितने रोज एंड कितने कॉलम्स की मैट्रिक्स है, तो ये कितने रोज हैं इसमें, रो तो एक ही है और कॉलम कितने हैं, 2, तो मैं इसको ऐसे शो करता हूँ। क्या शो किया मैंने, ए नाम की एक मैट्रिक्स है, उसके 2 एलिमेंट्स हैं। कैसे पता 2 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वो एक रो और 2 कॉलम है। आई की वैल्यू जो होगी, आई की वैल्यू 1 से लेके ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, 1 1 होगी, बस एक 1 ही होगी, ठीक है, आई की वैल्यू, क्योंकि आई 1 ही हो सकता। और जे की वैल्यू आपकी 1 से लेके 2 तक जाएगी, यानी 1 2, और ध्यान रखें आई एंड जे किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर्स को, मतलब 1.1 1.2 नहीं होगा। यानी इसमें मैं आई की वैल्यू क्या क्या लिख सकता हूँ, आई की वैल्यू मैं 1 ही लिख सकता हूँ, ठीक है, ये पहला लेटर मैं 1 ही लिखते हैं हमेशा, ठीक है ये, और लास्ट वाला किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, ये जो आपका ये रो लिखा हुआ है, तो आई जो है वो स्टार्ट होगा 1 से और जाएगा भी 1 तक, तो एक ही नंबर बनेगा आई की वैल्यू। और जे की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, स्टार्ट होगा 1 से, ख़त्म कहाँ होगा, क्योंकि ये 2 लिखा हुआ है तो 2 तक, तो मेरे पास क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें, तो ये 2 ही एलिमेंट्स हो सकते हैं। आई की वैल्यू 1 नहीं लिख सकता हूँ, जे की वैल्यू 1 लिख सकता हूँ, और आई की वैल्यू 1 लिख सकता हूँ और जे की वैल्यू 2 लिख सकता हूँ, तो 2 एलिमेंट्स, और 2 ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो मैंने बोला कि एक कन्फ्यूज़ नहीं होना है, एक मैट्रिक्स है जिसका नाम ए है, ठीक है, जिसमें एक रो और 2 कॉलम है, यहाँ से देख के मेरे को पता चल रहा है, ये हम इनिशियल पहले ये डिफाइन करते हैं फिर बाद में ये लिखते हैं। तो मैंने बोला एक मैट्रिक्स है जिसमें एक रो और 2 कॉलम है, ठीक है, तो उसमें एलिमेंट्स भी कितने होंगे, 2 ही होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ही निकाल सकते हो, ये 1 × 2 अगर आप करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक रो है 2 एलिमेंट्स हैं, और वो जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम क्या क्या रखोगे आप, तो मैंने बोला उनका नाम ऐसे रखोगे, यहाँ आई जे, और आई की वैल्यू क्या आ सकती है, 1 तक आ सकती है, 1 से स्टार्ट होके 1 तक, यानी 1 ही बचा, और जे की वैल्यू क्या आ सकती है, 1 से स्टार्ट होके 2 तक, तो यानी 2 केसेस हो सकते हैं जे के, जे की वैल्यू 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकता है, 2 एलिमेंट्स हो गए। जैसे ये वाला अगर मैं इसको लिखता तो मैं ऐसे लिखता B=2
बी आई जे और 2 × 3। और अगर मैं पूछता आई की वैल्यू क्या हो सकती है, तो मैं लिखता आई की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से और जाएगी 2 तक, और जे की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से और जाएगी 3 तक, क्योंकि जे तो मुझे बाद वाला जो नंबर है, जो नंबर ऑफ कॉलम है, वो तो 3 तक दिख रहा है मुझे, और जो रो है वो 2 तक दिख रहा है। स्टार्ट 1 से तो होगा ही होगा, तो देखिए आई की वैल्यू 1 1 1 और 2 2 भी मिल रही है, बट जे की वैल्यू आपको 1 भी मिल रही है, 2 भी मिल रही है, 3 भी मिल रही है, ठीक है। ऐसा पहले आप इनिशियली नेमिंग दे दो, ये जो आप लिखते हो, ये जो मैंने जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो आपका रोज नंबर ऑफ रोज और कॉलम बताता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 × 2 ऑर्डर की है, और ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, ये 2 × 3 ऑर्डर की है, ठीक है। ऑर्डर आपको क्या बताता है, रोज एंड कॉलम्स के बारे में। यहाँ पे ऑर्डर बता रहा है 1 रो और 2 कॉलम्स है, इस मैट्रिक्स जो बी नाम की मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स है। ये हम पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद ये मैट्रिक्स लिखते हैं। आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि वो कितने ऑर्डर की है, कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, और फिर उसके एलिमेंट्स बताने पड़ेंगे। ये मैंने क्या लिखा कि भाई ये जो बी जो है, जो एलिमेंट्स के नाम है, ठीक है, वो क्या क्या हो सकते हैं, इसको देख के पता चल रहा है आई की वैल्यू 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, और जे की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। तो बी 1 1 हो सकता है, बी 1 2 हो सकता है, बी 1 3 हो सकता है, बी 2 1, बी 2 2 और बी 2 3। और ये देखिए हमने तीनों छहों नाम आए हमारे पास। बी 1 1 क्या बताता है आपको, बी 1 1 बताता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बी 1 2 क्या बताता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बी 1 3 क्या बताता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। नाम भी इनके अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन डिसाइड होते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ बी 2 3 तो इसका मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये वाला सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो मैट्रिक्स की नेमिंग आपको पहले समझ में आनी चाहिए, किसी कैपिटल अल्फ़ाबेट के से हम बताते हैं जनरली, आप किसी कैपिटल अल्फ़ाबेट का नाम यूज़ करोगे आप, ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि उसके बाद आपने कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखना है, और फिर उसके बाद आपको डिफाइन करना होगा। पहले आप ये लिखते हो, ये चीज़ आप पहले लिखते हो जिससे आप उसका ऑर्डर पहले डिसाइड करते हो, और देन आप बताते हो कि वो मैट्रिक्स क्या है। बना क्यों रहे हैं मैट्रिक्स, आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैट्रिक्स क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये चैप्टर, ये अरेंजमेंट कर क्यों रहे हैं। तो आगे जाके हम देखेंगे बहुत सारे मैथ्स में या बहुत सारी जगह, जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स सॉल्व करना, मुझे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल मुझे ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी मुझे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। इसके अलावा अगर मुझे मान लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट फिजिक्स में या इवन मैथ्स में भी हम वेक्टर पढ़ेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं हम, 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वहाँ पे भी मुझे मैट्रिक्स की हेल्प से मैं ये सॉल्व करता हूँ। बहुत सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर्स में जो लैंग्वेजेस पढ़ते हैं वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, C++, जावा में प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको ये मैट्रिक्स काफ़ी हेल्प करती है। इसके अलावा क्रिप्टोग्राफी, ये क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, क्रिप्टोग्राफी बहुत सारे जो कोड्स बनते हैं, ठीक है, आप इनक्रिप्ट करते हो बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप लॉक लगाते हो बहुत सारे, आगे जब आप कंप्यूटर साइंस में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे क्या होता है कि आपका डेटा जो होता है उसको सिक्योर करने के लिए आप क्रिप्टोग्राफी करते हो, आप लॉक्स बनाते हो कुछ, तो वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। तो हमको सिंपल सी चीज़ ये समझनी है कि उसके अलावा बहुत जगह यूज़ होता है, मतलब मैट्रिक्स का यूज़ काफ़ी जगह है, मतलब आप ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत जगह ऑप्टिमाइजेशंस पढ़ोगे आप, ऑप्टिमाइजेशंस क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशंस होता है कि आपको बेस्ट रिजल्ट अगर आपको पता करना है, जैसे LPP भी पढ़ेंगे इसके लिए, तो वहाँ पे भी यूज़ होता है। तो मैट्रिक्स का यूज़ बहुत जगह है, तो आपको करना ये है कि ये मैट्रिक्स को ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करनी है, हालांकि हम ये जरूर सॉल्व करना सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे, बट मैट्रिक्स को पहले होता क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्यों बनाएंगे,
कैसे नेमिंग होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट पहले वो है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि मैट्रिक्स का काम क्या है। तो एक एग्जांपल और से मैं आपको ये समझाता हूँ, जैसे कोई मैट्रिक्स, जैसे मैंने एक सी मैट्रिक्स लिखी, कुछ भी नाम दे सकता हूँ सी, और अभी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसमें मैंने लिखा 1 4 3 -7 2 6 -4 8 11 -2 6 5, ऐसे ही मैंने एक मैट्रिक्स लिखी। ये मैट्रिक्स क्यों बनती है ये हम आगे देखेंगे। मैंने बताया आपको कि ये जो अभी ये प्रॉब्लम्स जो हमारे हैं लाइफ की, इन इनमें हेल्प आउट करता है ये, इन जगह यूज़ होती है। अभी मैट्रिक्स मतलब एक अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट दिया हुआ है जिसका नाम सी है, इस अरेंजमेंट का नाम, इसको मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि मैट्रिक्स कहीं पे लिखा होता है, कहीं पे मैट्रिसेस लिखा होता है। तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर फॉर्म में है और मैट्रिसेस उसका प्लूरल वर्जन है, मतलब मोर देन, अगर टू मैट्रिक्स है तो उसको मैट्रिसेस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो बात की ये, तो इसमें मेरे को दिख रहे हैं टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो हमको दिखे हैं यहाँ पे टोटल 12 एलिमेंट्स हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट। अब बताइए इस एलिमेंट का रो नंबर क्या है, तो इसका रो नंबर है 1। टोटल कितनी रो हैं, 3 रोज़ हैं, R1 R2 और R3, ये 3 रोज़ आपको दिख रही हैं। ये एक रो है, जो हॉरिजॉन्टल्स होती हैं ये रोज़ होती हैं, और जो वर्टिकल है कॉलम्स है। कॉलम्स कितनी हैं, 4 कॉलम्स, ये और ये। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका नाम क्या होगा बताइए। तो मैं बोलूँगा C11 क्या है, ये वो एलिमेंट है सी मैट्रिक्स का जिसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आने वाला। C11 कितना है, 1। अगर मैं पूछूँ C12 क्या है, C12 नाम है उस एलिमेंट का जो कि कौन से कॉलम्स, कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है और कॉलम कौन से, सेकंड कॉलम में है। तो ये क्या है, C12 कितना है, 4। अगर मैं पूछूँ C13 किसका नाम है, C13 नाम है इसका, ठीक है, 3 है। C14 क्या है, -7। C21 क्या है, जो सेकंड रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, C21 हमारा 2 है। C22 क्या है, C22 हमारा 6 है। C23 क्या है, C23 हमारा -4 है। C24 क्या है, 8 है। C31 क्या है, 11। C32 ऐसे -2, C33 यहाँ पे 6 और C34 हमारा 5। तो मुझे ये पता चला इन सारे एलिमेंट्स के नाम भी है। अगर मैं बोल रहा हूँ C32 नाम किसका है, C32 इस एलिमेंट का नाम है जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो हर कॉलम, हर एलिमेंट का एक नाम भी है और उस पे वैल्यू क्या है वो ये लिख दी, ठीक है। तो इनिशियली ये तो मैंने फाइनली मैट्रिक्स लिख ली, बट इनिशियली अगर मुझे डिफाइन करना होता सी मैट्रिक्स को तो मैं क्या लिखता, सी एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स का नाम स्मॉल सी से डिनोट किया, CIJ, और कितने बाई कितने किए, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर, कि हमको ऑर्डर बता रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी 3 रोज एंड 4 कॉलम्स हैं। ऑर्डर से दो चीज़ें पता चलती है, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट, 3x4 तो 12 एलिमेंट्स भी हैं, दूसरा कितनी रोज एंड कितने कॉलम्स हैं ये भी पता चलता है ऑर्डर से। तो हमको ये पता चला कि एक मैट्रिक्स है जिसका नाम क्या है, सी, इसमें 3 रोज एंड 4 कॉलम्स हैं। और अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ आई, तो हम बोलेंगे आई की वैल्यू स्टार्टिंग कहाँ से होगी, हमेशा 1 से, और ख़त्म कहाँ होगी, ये जो ऑर्डर में लिखा हुआ है 3 तक जाएगी। और जे की वैल्यू स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 से, और कहाँ तक जाएगी, 4 तक जाएगी। दूसरा, ये आई जे होने क्या चाहिए, I, J बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, मतलब पॉइंट्स वाले नहीं आएंगे, ठीक है। इनके बीच में 1 और 3 के बीच में 1.1, 1.2 ये भी तो है, नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर लेना है। तो 1, आई की वैल्यू 1, 2, 3 हो सकती है और जे की वैल्यू 1, 2, 3, 4 हो सकती है। तो हमने किसी मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए हम ये तरीका अपनाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर समझ नहीं पाओगे तो आप रटते रह जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, मैट्रिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी जगह हमारी नॉर्मल लाइफ में हमको ये बहुत जगह ये यूज़ करते हैं अपन, कि यहाँ यहाँ इसका यूटिलाइजेशन है। तो यहाँ के यूटिलाइजेशंस के लिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है वेक्टर्स का, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल्स सॉल्व करना है,
ठीक है, प्रोग्राम्स बनाने कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे वहाँ पे हेल्प आउट करते हैं, क्रिप्टोग्राफी जो मैंने बताया कि कोडिंग होती है, मतलब आप एक इनक्रिप्शंस करते हैं, ठीक है, लॉक लगाते हैं, उस टाइप का ऑप्टिमाइजेशन, मतलब बेस्ट सॉल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसे ही आपको अगर जनरली, क्योंकि हर चैप्टर को पढ़ने से पहले कि भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये पढ़ा कि भाई हमको मैट्रिक्स इसलिए पढ़ना है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट अ 3x4, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स जिसका नाम है ए, और ए के एलिमेंट्स का नाम ए आई, मतलब स्मॉल ए से डिनोट किया हुआ है, ठीक है, 3x4 का है, जिसके एलिमेंट्स कैसे क्यों बने, हुज एलिमेंट्स, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, आर गिवन बाय, और क्या दे रखा है, ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे, ये क्वेश्चन दिया हमको, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक मैट्रिक्स बनानी है ए नाम की, उसमें कितने रोज़ एंड कितने कॉलम्स हैं, 3 रोज़ एंड 4 कॉलम्स, जिससे आपको पता चल गया कि आई की वैल्यू स्टार्टिंग होगी 1 से और कहाँ तक ख़त्म होगी, 3 तक, इसको देखते ही आपको पता चल गया कि ये होगा। और दूसरी चीज़ आपको ये पता चल गया, जे की वैल्यू स्टार्टिंग होगी 1 से और ख़त्म होगी 4 तक, और आपको एक मैट्रिक्स बनानी है ए नाम की, और उसके एलिमेंट्स किस हिसाब से गिवन है कि जो ए आई जे है वो आई प्लस जे है। तो सिंपल सी चीज़ है, मुझे ये पता है कि आई की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से और जाएगी कहाँ तक, 3 तक, और जे की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से और कहाँ तक जाएगी, 4 तक, ऑर्डर दिया हुआ है यहाँ पे मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स 3x4 की मैट्रिक्स बनेगी, यानी टोटल 12 एलिमेंट्स बनेंगे। अब पहले मैं एलिमेंट्स का नाम लिख देता हूँ, A11 जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आई की जगह भी 1 डाला, क्योंकि आई 1 है तो जे 1 है, तो यहाँ पे आई और दोनों को 1 1 डाला, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। अगर मैं बात करूँ A12 की, तो A12 में आई की वैल्यू कितनी है, 1, और जे की वैल्यू कितनी है, 2, तो A12 3 आ गया। बात करता हूँ A13 की, तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3 यानी 4, और एक बात की मैंने A14 की, तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 4 यानी 5। इससे आगे नहीं लेंगे क्योंकि जे की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक आ सकती है, 4 तक, जो ऑर्डर दे रखा है, जो नंबर ऑफ कॉलम्स दे रखा है, 4 से ज़्यादा कॉलम नहीं होंगे ये। सेम आई की वैल्यू आप 2 ले सकते हैं, 2 1, तो ये हो गया 2 + 1 3, थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे, A22 2 + 2, A23 2 + 3, A24 2 + 4, सेम A31 3 + 1, A32 3 + 2, A33 3 + 3, और A34 3 + 4। तुम्हारे मैट्रिक्स के जो भी 12 एलिमेंट्स हैं वो मुझे पता चल गए, अब मैं उसको मैट्रिक्स में डाल देता हूँ। तो वो ए नाम की मैट्रिक्स है, ए क्यों लिखा है, क्योंकि नाम दिया हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट 2 देन 3 देन 4 देन 5, ठीक है, फिर 3 4 5 6, मैं इनको डालता जा रहा हूँ, और फिर लास्ट 4 5 6 7, ये वो मेरी मैट्रिक्स बन गई। तो यहाँ पे मुझे मैट्रिक्स बनानी थी, बस मुझे ये दे रखा था क्वेश्चन और मुझे मैट्रिक्स बनानी थी। मान लो यही क्वेश्चन एक और दे रखा है, इसी में एक पार्ट, मान लो ये जो कंडीशन दे रखी है पिछली बार, ये कंडीशन इस बार जो है आपको, ये कंडीशन जो है वो क्या दे रखी है, ये कंडीशन आपको दे रखी है कि ए आई जे इक्वल्स टू आई माइनस जे, अगर आपको ये कंडीशन दे दी और बोला मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है, वही सेम कंडीशन है ये वाली कि रोज़ तो हमारे पास 3 ही रहेगी और कॉलम्स 4 रहेंगे, तो मैं बनाता हूँ। तो A11 क्या हो जाएगा, 1 - 1 यानी 0, A12 क्या हो जाएगा, 1 - 2 यानी -1, A13 क्या हो जाएगा, 1 - 3 यानी -2, A14 क्या हो जाएगा, 1 - 4 यानी -3, ठीक है, A21 हो जाएगा 2 - 1 यानी 1,
ए टू टू हो जाएगा टू माइनस टू ज़ीरो, ए टू थ्री हो जाएगा टू माइनस थ्री यानी माइनस वन, ए टू फोर हो जाएगा टू माइनस फोर यानी माइनस टू, ए थ्री वन हो जाएगा हमारा थ्री माइनस वन यानी टू, ए थ्री टू हो जाएगा हमारा थ्री माइनस टू यानी वन, ए थ्री थ्री हो जाएगा हमारा थ्री माइनस थ्री यानी ज़ीरो, और ए थ्री फोर हो जाएगा थ्री माइनस फोर यानी माइनस वन। यानी जो मैट्रिक्स बनेगी आपकी ए, उसको आप इस वाली कंडीशन में, इसके अकॉर्डिंग, ये वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो आप, तो उसको लिख सकते हो ज़ीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, वन ज़ीरो माइनस वन माइनस टू, टू वन ज़ीरो माइनस वन। तो ये मैट्रिक्स, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये मैट्रिक्स बनेगी और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये मैट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ पे हमको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी थी और वो इस हिसाब से आपकी बन गई, ठीक है। तो ये फाइनली, मैंने थोड़ा सा पेज पे ध्यान नहीं दिया, तो ये आपकी मैट्रिक्स बनी। ये जो कंडीशन दी थी आई माइनस जे, इसके अकॉर्डिंग ये मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। और जो पिछले वाली थी उसके अकॉर्डिंग ये बन गई। तो मैट्रिक्स की मैं अगर डेफिनेशन की बात करूँ वापस से, तो मैट्रिक्स को जनरली जो डिफाइन करता हूँ वो इस तरीके से करते हैं। अगर कोई ए मैट्रिक्स है जिसको हमने लिखा है ए आई जे, आई और जे ये बता रहा है, और ये एम क्रॉस एन ये ऑर्डर बता रहा है, और आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, वन से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, एम तक, और जे की वैल्यू स्टार्ट होगी वन से लेके, और ये भी कहाँ तक जाएगी, ये एन तक जाएगी। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आई एंड जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेंगे। ये एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी। पहले हम मैट्रिक्स को ऐसे डिफाइन करेंगे, फिर उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे जो भी हमको रिलेशनशिप दे रखा होगा। जैसे लास्ट टाइम दो रिलेशनशिप थे, पहला रिलेशनशिप ये था कि ए आई जे जो एलिमेंट्स हैं वो आई प्लस जे के अकॉर्डिंग आएंगे, और ए आई जे जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे वो आई माइनस जे के अकॉर्डिंग आएंगे। तो पहले मैंने प्लस किए थे यहाँ पे आई और जे को, और यहाँ पे कुछ भी रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। एक और एक क्वेश्चन जो है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम उठाते हैं, ठीक है, जो एक रिलेशनशिप बताएगा आपको। तो एनसीईआरटी में हमारे पास जो एक्सरसाइज है, एक मिनट, तो एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 3.1 जो एक्सरसाइज है, उसका फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट एक बार हम डिस्कस करते हैं। तो बोल रहा है कंस्ट्रक्ट करो, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, ऐसा लिखा हुआ है इसमें, कंस्ट्रक्ट करो 2x2 मैट्रिक्स, और नाम क्या मैट्रिक्स का, ए, कैपिटल ए, ठीक है। ये अंदर एलिमेंट्स के लिए कंडीशन दे दी, एलिमेंट्स के नीचे ए आई जे लिखा हुआ है, ए से नाम के एलिमेंट्स हैं। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ए आई जे जो है वो आएगा i प्लस टू जे का स्क्वायर अपॉन टू, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है और आपको इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। अब ये पता है कि मैट्रिक्स 2x2 की है, तो मुझे i की वैल्यू पता है, स्टार्ट होगी 1 से और जाएगी कहाँ तक, 2 तक, और j की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट होगी और जाएगी कहाँ तक, 2 तक, ठीक है। क्यों, ये टू नंबर ऑफ कॉलम्स 2 तक जा रहे हैं और नंबर्स ऑफ रोज 2 हैं, ठीक है, और स्टार्टिंग हमेशा 1 से होगी। अब एलिमेंट्स देखते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया a11, a11 कैसे मिलेगा, आई की जगह डालो 1, ये रिलेशनशिप दे रखा है इसको यूज़ करेंगे, आई की जगह डालो 1 और जे की जगह भी डालो 1, और फिर उसका स्क्वायर अपॉन 2। तो मैंने देखा ये हो गया 2+1 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9/2, ये तो हो गया a11। a12 की बात करूँ तो 1+2×2 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 4+1 5 का स्क्वायर यानी 25/2। अगर मैं बात करूँ a21 की, अब देखिए 2 तक ही जाएंगे हम क्योंकि j की वैल्यू मैक्सिमम 2 तक है। कैसे पता, क्योंकि ये ऑर्डर से पता चल गया, टोटल 4 एलिमेंट्स आएंगे इसमें। नेक्स्ट 1 i की जगह 2 डाला और j की जगह 1 डाला का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया
थ्री का स्क्वायर, ये भी 9/2 ही आएगा, और ए टू टू में आपके पास ये आएगा 2 + 2 × 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 = 4 यानी 16/2 यानी 8। तो जो मैट्रिक्स बनेगी ए वो आपकी क्या बनेगी, ऐसी। इसमें बना फर्स्ट एलिमेंट 9/2, सेकंड एलिमेंट 25/2, थर्ड एलिमेंट भी 9/2 और फोर्थ एलिमेंट 8। तो आपको इस टाइप से मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, ये उसकी कंडीशंस दी होती हैं और आपको इनको फॉलो करना होता है। एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये भी एनसीईआरटी के एग्जांपल से उठाते हैं हम। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का एग्जांपल थर्ड है। तो एग्जांपल थर्ड क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट करो आप मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स करना है आपको 3 × 2 की, यानी 3 rows and 2 columns होने चाहिए, और उसके एलिमेंट्स कैसे दे रखे हैं आपको, उसके उसके एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, जो रिलेशनशिप आपको दे रखा है वो दे रखा है ए आई जे इक्वल्स टू 1/2 मॉड आई माइनस 3j, ये दे रखा है। चलिए अब ये कंस्ट्रक्ट करते हैं मैट्रिक्स, नाम इसका मैट्रिक्स का कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, हम ए ही ले लेते हैं, सबसे कॉमन जो यूज़ करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो पहले तो ये देखते हैं आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, मैंने बताया था स्टार्टिंग 1 से लेके और यहाँ से दिख रहा है 3 तक जाएगा, और जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, जे की वैल्यू भी 1 से और 2 तक जाएगा, और आई जे किसको बिलोंग करेंगे, एन को, यानी आई की वैल्यू 1, 2, 3 और जे की वैल्यू 1, 2 से फितने जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट जो जिसका नाम A11 होगा वो कितना हो जाएगा 1/2 मॉड 1 - 3 × 1, तो ये 1 - 3 यानी -2 और मॉड ले लिया तो +2 यानी ये आंसर 1 ही आ जाएगा इसका, ठीक है। A12 हो जाएगा आपका 1/2 मॉड में यहाँ पे i की जगह 1 और j की जगह आपका कितना जाएगा 3 × 2 यानी ये हो गया 6, 6 - 1 - तो ये हो गया 5/2। नेक्स्ट देखिए, अब j की वैल्यू 2 से ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है, कॉलम्स हमारे 2 ही हैं, ठीक है, तो कॉलम्स 2 ही बनेंगे ऐसे। अब नेक्स्ट आपका सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो ये हो गया 1/2 2 - 3 × 1, अब ये कितना हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1/2, मॉड लगाया तो कोई भी नंबर हमारे पास नेगेटिव मिलेगा, A22 1/2 2 - 3 × 2, तो आपने देखा ये हो गया 6 और ये 4 और ये 4/2 यानी ये 2 आ जाएगा। और नेक्स्ट A31 1/2 3 - 3 × 1, तो ये तो आपका 0 आ जाएगा, और A32 कितना आ जाएगा 1/2 3 - 3 × 2, तो ये आ जाएगा आपका 3/2। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई 3/2 की, नाम उसको मैंने ए दे दिया मान लो, और क्या होंगे उसके एलिमेंट्स 1 5/2 1/2 2 0 और 3/2, ये वो मैट्रिक्स हमारी बन गई कितने बाय कितने की 3 × 2 की। कई बार हम इसके बाद भी लिख देते हैं कि ये इतने की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपको समझ में आए यहाँ पे कि इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए हैं, तो आपको मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, ये आपको थोड़ा सा पॉइंट में टिप्स में होने चाहिए आपके कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अब डिस्कस करेंगे हम, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए एक बार डिस्कस करें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने कितने टाइप्स की मैट्रिक्स हैं, हमने इनको सब डिवाइड कर रखा है मैट्रिक्सेस को। तो सबसे पहला है जिसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल सा मैट्रिक्स हैविंग वन रो, हैविंग वन रो, यानी आई की वैल्यू यहाँ पे 1 ही होनी चाहिए और कुछ नहीं, एक मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो होगी, जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है ए, एग्जांपल ले लिया मैंने,
और उसको मैंने डिफाइन कर दिया ये ए आई जे, और मैंने लिख दिया ये है 1 × 4 की मैट्रिक्स। तो पता चल रहा है इसमें रो तो एक ही है, कॉलम चार जाएंगे, आई की वैल्यू तो वन वन ही रहेगी, ठीक है। और अगर उसको कुछ भी रिलेशन से वो डिफाइन हुई तो इस टाइप की मैट्रिक्स बन गई, मान लो 2, 4, 1, -6। तो इसमें रो तो एक ही है, कॉलम्स चार है, कॉलम ज़रूरी नहीं चार ही हो, कॉलम्स तीन भी चलेगा, एक बी मैट्रिक्स है, ये भी रो मैट्रिक्स है, ठीक है, 1, 3, 4 या 2, सिर्फ एक कॉलम हो तो भी चलेगा, रो आपका एक ही होना चाहिए। ये मैट्रिक्स कितनी है, 1 × 4 की इसका ऑर्डर कितना है, 1 × 3 की ये कितना है, 1 × 1 की, तो ये रो मैट्रिक्स होगी जिसमें मैट्रिक्स हैविंग वन रो, सिंगल रो होगी। ऐसे ही अगर आपको रो मैट्रिक्स आ गया तो आपको नेक्स्ट वाला टॉपिक भी समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए, और सेकेंड हो जाएगा आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, और नाम से पता चल गया मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम, जिसका एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोल देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने डिफाइन की एग्जांपल दिया तो मैंने कोई ए नाम की मैट्रिक्स बोली और वो डिराइव किया ऐसे, अब रो कुछ भी हो कॉलम एक होना चाहिए, यानी ये जो ए मैट्रिक्स मैंने कुछ बनाई वैसे होनी चाहिए 3, 1, 2, कॉलम एक ही है। या कोई मैट्रिक्स मैंने बनाई बी, ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी जब इसमें हो 3, 1, 5, 7 या 2, 3 या सिर्फ और सिर्फ -7, एक भी रहे तो भी चलेगा, ठीक है। एक एलिमेंट, रो से कोई मतलब नहीं है, रो कितने भी हों, कॉलम आपके कितने होने चाहिए, आपके कॉलम एक ही होना चाहिए। तो रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स आपको एकदम ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। जो थर्ड आपको चीज़ ध्यान रखनी है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, और इम्पॉर्टेंट है ये, अब आपको ध्यान रखना है, रो कॉलम तो इतना कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स इम्पॉर्टेंट है। उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स इन विच m इक्वल्स टू n, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर होते हैं। यानी एक मैट्रिक्स A बताया और उसको डिफाइन कैसे किया ए आई जे, और ये भी m और ये भी m, दोनों सेम ही होनी चाहिए, ठीक है। यानी एक मैट्रिक्स बनाई मैंने, क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं फिर हमारे पास, यानी 1 × 1 ऑर्डर की हो सकती है, 2 × 2 ऑर्डर की हो सकती है, 3 × 3 ऑर्डर की हो सकती है, 4 × 4 ऑर्डर की हो सकती है, 5 × 5, यानी रोज एंड कॉलम्स दोनों बराबर होंगे। यानी ये इसमें 1 × 1 की है ये, या ये बी मैट्रिक्स 2, 1, 3, 4, दो रोज हैं और दो कॉलम है, 2 × 2 की मैट्रिक्स है ये। एक सी मैट्रिक्स ली हमने 3, 1, 2, 4, 6, 7, -8, 2, 6, ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है, या फिर 4 × 4 की भी चलेगी आपकी, ठीक है। ये लास्ट एग्जांपल 4 × 4 का, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, सॉरी। नाम से पता चल रहा है स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ बराबर होती है, तो यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे 1, 2, 3, 4 ए बी सी डी ई एफ जी एच 6, 7, 8, 9, कुछ भी मैंने 4 रोज 4 कॉलम्स 4 × 4 के, जरूरी नहीं है नंबर्स ही आने चाहिए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। नंबर्स भी आ सकते हैं, कुछ फंक्शंस भी आ सकते हैं, कुछ वेरिएबल्स भी आ सकते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। जो फोर्थ मैट्रिक्स हमको पढ़नी है, फोर्थ मैट्रिक्स का नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जो फोर्थ मैट्रिक्स है, सॉरी, डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली कंडीशंस आपको देने,
इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब इसमें भी ये एक पार्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स का, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी डायगोनल मैट्रिक्स, बट उसके लिए भी कुछ स्पेशल कंडीशन है। वो कंडीशन दूसरी क्या है? तो कंडीशन ये है, ए आई जे जो होना चाहिए ज़ीरो होना चाहिए व्हेन आई इक्वल्स टू जे, यानी जब आई और जे दोनों बराबर होगा, जब रो का नंबर और कॉलम का नंबर सेम होगा, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, जब आई जब रो का नंबर और कॉलम का नंबर जब बराबर सेम नहीं होगा, तो एलिमेंट्स आपके ज़ीरो होने चाहिए और ए आई जे अदरवाइज कुछ भी चलेगा, बाकी तो आप कुछ भी लिखो, कुछ भी एक्स वैक्स कुछ भी आए, ठीक है, जब आई इक्वल्स टू जे होगा। ए आई जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी, मैं इधर एक्स लिख दिया, कुछ भी हो सकती है, तब जब आई और जे बराबर होता है। आई जे कहाँ पे बराबर होता है? मान लो मैं 2x2 की एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल से बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये मैट्रिक्स है 2x2 की, तो मैंने बोला ये तब डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही कि 2x2 की है, कि अगर आपका ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट कुछ भी चलेगा, बट ये वाले ज़ीरो होने चाहिए। कौन से ज़ीरो होने चाहिए? क्यों? देखो ये वाला एलिमेंट क्या है, इस वाले एलिमेंट का नाम होता है a11। जब i और j दोनों बराबर हैं, जब i और j दोनों बराबर हैं, ठीक है, तब तो कुछ भी चलेगा, बट ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला एलिमेंट कौन सा है? a12। i और j बराबर नहीं है, i और j बराबर नहीं है, i और j जब बराबर नहीं है, i और j जब बराबर नहीं है, तो नंबर ज़ीरो ही होना चाहिए, तो यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। जैसे ये एलिमेंट कौन सा है? a21। क्या आई और जे बराबर है? नहीं, अलग अलग हैं। जब आई और जे बराबर नहीं है, तब आंसर क्या होना चाहिए? ज़ीरो ही आना चाहिए। और ये क्या है? a22। यहाँ आई और जे बराबर है, जब आई और जे बराबर हो तब तो कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट जब आई और जे बराबर नहीं है तब ज़ीरो ही आना चाहिए। अच्छा, ये वाले जो, ये जो लाइन है, जैसे स्क्वायर में डाइगनल होता है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको भी मेन डाइगनल बोलते हैं आपकी, ठीक है, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, जो मेन डायगोनल है इसकी, इसको डायगोनल नहीं बोलते हैं जी, ये मेन डायगोनल है, इसके एलिमेंट ज़ीरो नहीं होने चाहिए, डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक बी मैट्रिक्स बनाई मैंने, 3x3 की इस बार ली, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये कंडीशन ध्यान रखना है, तो 5, 1 और 2 ये वाले एलिमेंट्स आपके कुछ भी होंगे, बट बाकी एलिमेंट्स आपके ज़ीरो होंगे। अब देखिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ ये क्यों ज़ीरो नहीं होंगे, क्योंकि इस एलिमेंट का नाम है a11। आई और जे बराबर है, आई और जे बराबर है, तब ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, इसका नाम क्या है? a22। इसका नाम क्या है? a33। तो यहाँ पे आई जे बराबर है, यहाँ पे भी आई जे बराबर है, यहाँ पे इनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। ये क्या है? a12। आई और जे बराबर नहीं है तो ज़ीरो ही होना चाहिए, जब भी आई और जे बराबर नहीं हो। अच्छा, यहाँ पे ज़ीरो भी आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 5 ही आएगा, इसमें ज़ीरो आ सकता है, ठीक है, इसमें 1, 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे एक्स कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे कंडीशन फिक्स है, जहाँ आई जे बराबर नहीं है वहाँ ज़ीरो ही होना चाहिए, ये ज़ीरो ही होंगे, ये वाला ज़ीरो ही होगा। क्यों? ये है आपका a21, आई जे बराबर नहीं है, ये ज़ीरो ही होगा। क्यों? ये a13, आई और जे बराबर नहीं है, ये ज़ीरो ही होगा। a23, आई जे बराबर नहीं है, ये ज़ीरो ही होगा। a32, आई और जे बराबर नहीं है, ये ज़ीरो ही होगा। a31, तो जहाँ पे भी आई और जे बराबर नहीं है वहाँ तो एलिमेंट ज़ीरो ही होना चाहिए। उसके अलावा जो डाइगनल है, इसको क्या बोलेंगे? डाइगनल। डाइगनल में एलिमेंट ज़ीरो हों चाहे कुछ हों, उनसे हमको मैटर नहीं करता, वो कुछ भी कहलाएगा, कुछ भी एक्स कुछ भी आ जाएगा, बट डायगनल वाला जो है वो ज़ीरो ही होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल और डायगनल मैट्रिक्स का, एक लास्ट 4x4 की भी मैट्रिक्स ले लेते हैं। मान लो एक सी नाम की एक मैट्रिक्स बनाई मैंने, ठीक है, 2, बस अब तो मैं जहाँ पर लिख रहा हूँ 1, और देखो यहाँ पर मैं 0 भी लिख सकता हूँ, यहाँ 0 लिखना है मेरे, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाले तो 0 ही होंगे, डायगनल को छोड़ के सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए।
डायगनल हो या ना हो उससे हमको मैटर नहीं करता, ठीक है। इस डायगनल को छोड़ के सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगनल मैट्रिक्स में ये सारे ज़ीरो, यहाँ पे आई और जे बराबर नहीं है, जहाँ आई और जे बराबर नहीं है वहाँ ज़ीरो, और जहाँ आई जे बराबर है वहाँ पे आप कुछ भी रखो, आप ज़ीरो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सारे ज़ीरो मत कर देना, फिर वो ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। एक मैट्रिक्स होती है ज़ीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं, तो फिर वो ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगी, फिर डायगनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो कोई एक दो तो चलेगा, सारे के सारे नहीं ज़ीरो होने चाहिए इसमें, बट हाँ डायगनल को छोड़ के सारे ज़ीरो ही होने चाहिए। अगर वहाँ पे भी, अगर यहाँ पे वन आ जाता है टू आ जाता है, तो ये फिर ये डायगनल मैट्रिक्स नहीं कहलाती, ठीक है। तो ये डायगनल मैट्रिक्स हो आपका। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स लेंगे हम, बोलेंगे आपकी फिफ्थ मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स। फिफ्थ है स्केलर मैट्रिक्स, तो मैं बोल रहा हूँ स्केलर मैट्रिक्स जो है वो एक टाइप की डायगनल मैट्रिक्स है। इट इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी वो अगर डायगनल मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी होगी, क्योंकि स्क्वायर डायगनल मैट्रिक्स सारी स्क्वायर होती है ना, तो स्केलर मैट्रिक्स भी 1/1, 2/2, 3/3, 4/4 इसकी होंगी, ठीक है। अच्छा, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? तो स्केलर मैट्रिक्स में आपका कोई भी मैट्रिक्स है, पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब ये जो आपके जो डायगनल्स वाले जो एलिमेंट्स हैं, अभी तक तो कुछ भी चल रहे थे, जैसे मैंने एक 3/3 की मैट्रिक्स बनाई, तो इसमें ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, बाकी सारे 0, यानी ये अगर मैं देखूँ क्या ये डायगनल मैट्रिक्स है, हाँ है, क्योंकि बाकी 0 है। बट एक चीज़ स्पेशल दिखी मुझे, जो ये डायगनल वाले एलिमेंट्स हैं सब एक जैसे हैं। अगर ये सब एक जैसे हों, लास्ट एग्जांपल में सब एक जैसे नहीं थे, यहाँ पे 5 था, 1 था, 2 था, बट अगर वो सब एक जैसे हों, इस वाले एग्जांपल में सब 2 है, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है कि सारे एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए। एक एग्जांपल और, 2/2 की मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें मैंने ये लिख दिया 4 0 0 4, तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। एक और बनाता हूँ मैं 3/3 की, ठीक है, -7 0 0 0 -7 0 0 0 -7, यहाँ पे भी दिख रहा है ये एक डायगनल मैट्रिक्स है, बट क्योंकि डायगनल के सारे एलिमेंट सेम है तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया। सेम ये एक डायगनल मैट्रिक्स है और सारे एलिमेंट सेम है तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया। तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है कि सारे जो डायगनल के एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि 4/4 की भी आप बनाई लोगे, तो डायगनल स्केलर मैट्रिक्स को यहीं हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सिक्स्थ, तो सिक्स्थ है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए मैंने लिखा इट इज अ टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, यानी ये स्केलर मैट्रिक्स का टाइप है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगनल भी होगी और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी, यानी आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपके पास सारे एलिमेंट्स, मैं जैसे एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, ठीक है, और मैंने देखा यहाँ पे 1 0 0 1, क्या ये मेरे पास, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, हाँ है, डायगनल तो है ही क्योंकि यहाँ 0 0 है, ठीक है, ये डायगनल में 0 नहीं है। दूसरा स्केलर इसलिए है क्योंकि एक जैसा है, बट अगर वो एक जैसे होने के बाद भी एलिमेंट अगर सिर्फ 1 हो, देखो यहाँ पे 2 भी चल रहा था, 4 भी चल रहा था, -1 चल रहा था, बट अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 है, ठीक है, तब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसको। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने ऑर्डर की होती है उसको फिर आई से ही डिनोट करते हैं जनरली, और क्योंकि ये 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसको I2 बोल दिया। जैसे कि I3 मैट्रिक्स क्या होगी, I3 मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए सारे जो स्केलर मैट्रिक्स भी है ये,
डायगनल मैट्रिक्स भी है, बट सारे एलिमेंट्स क्योंकि जो डायगनल वाले वन है तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसको आई थ्री बोलेंगे। आई थ्री क्यों बोला, क्योंकि थ्री ऑर्डर की है। आई फोर मतलब फोर ऑर्डर की। आई फोर लिखा मैंने तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, तो ये आई फोर हो गया। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है फोर ऑर्डर की, इसलिए इसका नाम आई फोर। देखिए डायगनल में सारे एलिमेंट्स वन हैं, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। हम चाहें तो इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख सकता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पहले स्केलर मैट्रिक्स के लिए मैं लिख सकता हूँ। स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें ए आई जे कुछ कांस्टेंट होता है कि व्हेन आई इक्वल्स टू जे, जब आई और जे बराबर होते हैं तो ए आई जे की वैल्यू कुछ कांस्टेंट होगी, और ए आई जे की वैल्यू ज़ीरो होगी जब व्हेन आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे, जब आई और जे बराबर नहीं है तो ज़ीरो होना चाहिए। सेम इसकी डेफिनेशन में क्या लिखूँगा कि ए आई जे वन होना चाहिए, कब, जब आई और जे बराबर होता है, और ए आई जे क्या होना चाहिए, ज़ीरो, कब, जब आई इज़ नॉट इक्वल्स टू, आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे, जहाँ पे भी आई और जे बराबर नहीं है। क्यों, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए वन टू, आई और जे बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो। बट जहाँ पे आई जे बराबर है, जैसे इसका नाम क्या है, ए थ्री थ्री, आई जे बराबर है तो वन होना चाहिए। इसका नाम क्या है, ए फोर फोर, आई और जे बराबर है तो वन होना चाहिए, ठीक है। बहुत आपको ये अगर डेफिनेशन देखने को मिला तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि भाई ये क्या बोलना चाह रहा है। तो नेक्स्ट जो एक और मैट्रिक्स जो हम डिस्कस करते हैं उसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यानी ये भी आपकी वन बाय वन, सॉरी टू बाय टू, थ्री बाय थ्री, वन बाय वन, इस टाइप की मैट्रिक्स होगी। वन बाय वन की हम लेते नहीं है, जनरली टू बाय टू से स्टार्ट करते हैं। तो टू बाय टू की एक मैट्रिक्स ली मैंने, ये अपर ट्रायंगुलर है क्योंकि वन टू थ्री और ज़ीरो। तो ये जो आपको डायगनल दिख रहा है, डायगनल और उससे ऊपर अपर वाले पार्ट में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसके नीचे आपको ज़ीरो अगर मिल, सिर्फ सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है कि जो डायगनल और उससे ऊपर के एलिमेंट्स आपके ज़ीरो नहीं होने चाहिए, बट जो डायगनल से नीचे के एलिमेंट्स हैं सारे ज़ीरो होने चाहिए। जैसे एक थ्री बाई थ्री की एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, जैसे बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ली मैंने थ्री बाई थ्री की, और मैंने क्या देखा उसमें कि भाई वन टू थ्री, यहाँ पे कुछ भी लिखा, फोर फाइव सिक्स, बट ये एलिमेंट्स आपके क्या हैं, ज़ीरो हैं। डायगनल के नीचे के एलिमेंट्स आपके ज़ीरो होने ही चाहिए, ये नॉन ज़ीरो नहीं चलेंगे, ये ऊपर वाले कैसे भी चलेंगे, ठीक है, बट नीचे वाले जो होंगे वो ज़ीरो होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं ये ज़ीरो भी हो सकते हैं, इवन डायगनल भी, डायगनल के नीचे वाले कंडीशन मस्ट है कि वो ज़ीरो होना चाहिए। इसको अपर ट्रायंगुलर। एक और जैसे फोर बाय फोर की एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लास्ट, तो वन टू ज़ीरो फोर सिक्स सेवन एट नाइन थ्री, और ये ज़ीरो होने चाहिए आपके, क्या बना दिया मैंने, कुछ गड़बड़ कर दी, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है, अरे किधर आ जाएगा, फोर यानी टू लिख लो कुछ भी। तो मुझे ये दिख रहा है ये मेरी डायगनल है, इस डायगनल के नीचे के सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए, अपर वाले ज़ीरो हो या ना हो, नीचे वाले एलिमेंट ज़ीरो ही होने चाहिए। तो इस कंडीशन में हम जो मैट्रिक्स को बोलेंगे, ठीक है,
उसको हम बोलेंगे डायगनल मैट्रिक्स। मतलब देखो यहाँ पे आपको इसमें ज़ीरो मिल गया, ये भी ज़ीरो हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं इनमें वन टू नहीं आना चाहिए, ये तो सारे के सारे ज़ीरो ही कहलाएंगे, बट ये सारे के सारे ज़ीरो ही कहलाएंगे, ये सारे के सारे ज़ीरो ही कहलाएंगे, तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो गया। थोड़ा लेक्चर लंबा होता जा रहा है, इसको जल्दी से निपटाते हैं। तो एट्थ जो है हमारा वो है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ये भी एक टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें उल्टा हो जाएगा कि डायगनल के ऊपर वाले जीरो होने चाहिए, ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्यों है, इसमें मैंने वन टू थ्री इधर डाल दिया और ये ज़ीरो, तो ये जो डायगनल है इसके ऊपर के एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक और मैट्रिक्स लिखी मैंने, ठीक है, वन टू थ्री सिक्स फोर सेवन, यहाँ ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, तो ये डायगनल के ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं, डायगनल के ऊपर के एलिमेंट्स ये ज़ीरो होने चाहिए आपके, ये कंडीशन मस्ट है, ये ज़ीरो ही होंगे, बिना इनके काम नहीं चलेगा, ठीक है। नीचे के कुछ भी हों ऊपर के ज़ीरो होने चाहिए, लोअर वाले। एक बी मैट्रिक्स बना दी मैंने, ठीक है, एक और मैट्रिक्स बनाई लास्ट एग्जांपल इसका लोअर ट्रायंगुलर का। तो लास्ट एग्जांपल क्या है, सेवन वन टू सिक्स फोर एट टू वन ज़ीरो, मैंने इसको ज़ीरो ले लिया, बट ये ज़ीरो होने मस्ट है, ठीक है। ये डायगनल है, इसके ऊपर के एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए, नीचे वाले नहीं चलेंगे, लोअर वालों के लिए कंडीशन नहीं है। देखिए उल्टा नाम है, अपर ट्राइंगुलर में अपर तो नंबर होंगे और नीचे ज़ीरो होना चाहिए, और लोअर ट्राइंगल में लोअर नंबर होंगे अपर ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, डायगनल के ऊपर वाला। तो इस टाइप की हमारी ये मैट्रिक्स कंप्लीट हुई। एक लास्ट एक और मैट्रिक्स होती है जिसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं, मैं यहीं समझा देता हूँ उसको, बहुत ही सिंपल सी है, नाइन्थ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स, नाम से पता है जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, ये एक नल मैट्रिक्स है, ये एक नल मैट्रिक्स है, ये एक नल मैट्रिक्स है। अब देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है फिर भी नल, ये सारी नल या ज़ीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये कंडीशन नहीं इंपॉर्टेंट है कि ये ज़ीरो मैट्रिक्स हो, बट सारे एलिमेंट्स अगर ज़ीरो तो नल मैट्रिक्स है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने नाइन टाइप के मैट्रिक्स पढ़ लिए हैं, एक बार उनको आपको ध्यान रखना है कि आपको सारे नाम पता है या नहीं पता है, तो एक एक करके मैं नाम बोल रहा हूँ ताकि आपको रिविज़न ढंग से रहे। तो फर्स्ट जो नाम था वो था हमारा रो मैट्रिक्स, जिसमें एक ही रो रहती है। सेकंड हमारा कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक ही कॉलम था। थर्ड हमारा था स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रोज और कॉलम्स दोनों बराबर थे। फोर्थ जो था हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट ज़ीरो थे। इसमें भी स्पेशल एक स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल के जो एलिमेंट है वो एक कोई कांस्टेंट था, वैल्यू फिक्स थी, बाकी सारी वैल्यू ज़ीरो होनी थी। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट फिक्स भी रहता है तो कितना रहता है, वन, उसके अलावा सारे एलिमेंट ज़ीरो, ठीक है। सेवन्थ जो है हमारा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें ऊपर वाले डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सारे के सारे ज़ीरो थे। और एट्थ था हमारा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट सारे ज़ीरो होंगे, ठीक है। और नाइन्थ है हमारा नल मैट्रिक्स। तो हमने ये सारी मैट्रिक्सेस के टाइप्स पढ़ लिए और बहुत ही इजी सा पढ़ा। एक लास्ट एक ऑपरेशन जो मैट्रिक्स का होता है वो है कब दो मैट्रिक्स को इक्वल बोलेंगे, ठीक है। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, टू मैट्रिसेस शुड बी इक्वल इफ, क्या कंडीशन आएगी, तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स शुड बी सेम,
ठीक है, दोनों सेम ही ऑर्डर के होने चाहिए। एक्चुअली दोनों मैट्रिक्स सेम है, एक ही चीज़ है, एक ही एलिमेंट सारे दोनों के, सबके एलिमेंट सेम है, सेम ही पोजीशन पे है, तो ऑब्वियसली ऑर्डर भी सेम होगा। और दूसरा कि उनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स शुड बी सेम एट सेम पोजीशन। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, दो मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है जो कि ऐसे दे रखी है ए आई जे एम इंटू एन, और एक बी मैट्रिक्स है बी आई जे पी इंटू क्यू। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स कब होंगी, सेम मैट्रिक्स कब होंगी, जब एम तो पी के बराबर हो और एन क्यू के बराबर हो। यानी इससे क्या पता चल गया, ऑर्डर सेम है दोनों का। ठीक है, और दूसरा ए आई जे जो आएगा वो बराबर होगा बी आई जे के, एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। यानी ए मैट्रिक्स लिखी हुई है 2 3 1 4, और बी भी यही होने चाहिए, क्या 2 3 1 4। तो ये दोनों मैट्रिक्स ए और बी को मैं बराबर लिख सकता हूँ। यानी ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, 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 जब होगा तभी मैं दो मैट्रिक्स को इक्वल बोल सकता हूँ। आप अभी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड एक्सरसाइज से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे।